गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, देखिए आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसी फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत धारा। अब देखिए, पहला सवाल आपके मन में यही आता है कि सर विद्युत धारा क्या होती है, तो छोटे क्लास में आपने इसकी एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि आवेश के प्रवाह की दर को आप क्या बोलते हो, विद्युत धारा। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको 11th क्लास के दो टॉपिक से रिलेट करता हूँ आपको कि त्वरण की परिभाषा वहाँ पे आपने पढ़ी थी और वो क्या थी कि वेग में जो परिवर्तन की दर है वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। और इसका जो फॉर्मूला आपने दिया था वो दिया था वी अपॉन टी। यहाँ पे जो वी है वो वेग को शो कर रहा है और जो टी है वो टाइम को बता रहा है। दूसरा, अगर मैं आपको वेग की डेफिनेशन पूछूं तो आप बोलोगे कि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो यहाँ जो फॉर्मूला था वो था एस अपॉन टी, या आपने लिखा होगा एक्स अपॉन टी। यहाँ पे जो एस है या जो एक्स है वो किसको बता रहा है, विस्थापन को, और टी क्या बता रहा है, टाइम को। तो देखो यहाँ पे भी आ रहा है कि परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, और यहाँ पे हालांकि परिवर्तन की दर तो नहीं है लेकिन क्या लिखा हुआ है कि प्रवाह की दर। तो देखो कहीं पे भी आपको दर का नाम दिखे तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों में ही टी से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो दर यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले टी से डिवाइड करेंगे। अब दूसरी चीज ये देखो कि परिवर्तन हो किस में रहा है, यहाँ पे किस में परिवर्तन हो रहा है, वेग में। तो आपने यहाँ पे ऊपर क्या लिख दिया, वेग, वेलोसिटी। और यहाँ देखो किस में परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन में। तो यहाँ पे आपने एस या एक्स दोनों ही विस्थापन को शो करता है, तो जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो राशि आप ऊपर लिखते हो। तो मुझे यहाँ बताओ कि यहाँ पे किस में परिवर्तन हो रहा है, आवेश के प्रवाह की दर, यानी आवेश में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ आप ऊपर क्या लिखोगे, आवेश, आवेश को रिप्रेजेंट करते हो क्यू से, और धारा को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। तो फॉर्मूला क्या बन गया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पे पूछे कि आई क्या है, तो आई यहाँ पे क्या है, धारा, क्यू यहाँ पे क्या है, आवेश, और टी यहाँ पे क्या है, समय। अब देखो अगर मैं इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट में आप टी बराबर एक सेकेंड पुट करो तो बताओ क्या आएगा, आई बराबर क्यू अपॉन वन। तो यहाँ से क्यू आ जाएगा क्योंकि आप जानते हो किसी भी राशि में एक का भाग देने पर वही राशि मिलती है। तो देखो यहाँ से एक नई डेफिनेशन नहीं बन गई करंट की, क्या बन गई कि एक सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश क्या कहलाता है, विद्युत धारा। तो एक सेकंड में प्रवाहित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। लेकिन देखो बच्चों ये जो डेफिनेशन है वो 10th क्लास या छोटे स्टैंडर्ड तक तो ठीक है, लेकिन जब आप 12th में आते हो तो इसको, इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है। और देखो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दी जाती है कि मान लो कि ये कंडक्टर है यानी चालक है, इसका जो ये है इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। हिंदी में इसको बोला जाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो ये पोर्शन है वो क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये भी क्या होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो देखिए इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दी जाती है कि किसी एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित कुल आवेश क्या कहलाता है, विद्युत धारा। क्या परिभाषा है कि एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब ये जो एरिया होता है वो कहलाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एकांक समय में जो प्रवाहित कुल आवेश है वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा। अब आगे देखिए, जो ये विद्युत धारा होती है वो मोस्टली दो टाइप की पढ़ी जाती है, विद्युत धारा दो प्रकार। पहली जो होती है उसको बोला जाता है औसत धारा, और जो दूसरी होती है उसको बोला जाता है तात्क्षणिक धारा। औसत मतलब एवरेज करंट, और तात्क्षणिक को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस करंट। अब देखिए औसत, औसत का मतलब आपने छोटे क्लासों में डेफिनेशन पढ़ी है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, करंट की। तो आप देखो किस प्रकार औसत क्या होता है, तो अगर मैं मान लूं कि ये मेरे पास कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, अभी मैंने बताया था कि ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। इससे मैं अगर आपको बोलूं कि डेल क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, और अगर मैं आपको टाइम इंटरवल दे दूं डेल टी, क्या बोला
कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से डेल क्यों आवेश डेल टी समय में प्रवाहित होता है। तो मां आपको पूछू कि बताओ वो सदारा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आपने अभी अभी करंट का क्या फॉर्मूला बताया, क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे देखो चार्ज कितना प्रवाहित हो रहा है, डेल क्यू, कितने टाइम तक, डेल टी तक। तो चार्ज की जगह आप क्या लिखोगे, डेल क्यू, टाइम इंटरवल क्या लिखोगे, डेल टी। और जो ये डेल होता है वो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये परिवर्तन को शो करता है। और परिवर्तन हमेशा हम कैसे निकालते हैं कि अंतिम स्थिति में से हम क्या करते हैं, प्रारंभिक स्थिति को क्या कर देते हैं, माइनस। तो यहाँ पे किसकी स्थितियां लोगे आप, चार्ज के लिए लोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। यहाँ टाइम है तो क्या आ जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। यहाँ क्यू फाइनल क्या बता रहा है कि अंतिम आवेश, और क्यू इनिशियल क्या बता रहा है, प्रारंभिक आवेश, यहाँ टी एफ अंतिम समय और टी आई क्या है, प्रारंभिक समय। तो यह जो फॉर्मूला है वो तो होता है एवरेज करंट का फॉर्मूला। एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या कहा कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से हमने मान लिया कि डेल क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितने समय के लिए हो रहा है, डेल टी के लिए। तो फॉर्मूला क्या आ गया, डेल क्यू अपॉन डेल टी। अब देखो दूसरा जो है वो है तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा होती क्या है, तो देखो तात्क्षणिक धारा की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दी जाती है कि किसी क्षण विशेष पर, अब आपको क्षण विशेष क्या होता है, क्षण विशेष का मतलब होता है एक टाइम इंटरवल, जिसे मैं बोल दूं कि एक सेकंड पे बताओ, पांच सेकंड पे बताओ, दस सेकंड पे बताओ। तो किसी एक टाइम पर अगर आपको पूछे तो किसी क्षण विशेष पर प्रवाहित धारा क्या कहलाती है, तात्क्षणिक धारा कहलाती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है आई एन एस, इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट डेल टी डेंस टू जीरो डेल क्यू अपॉन डेल टी, और इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये जो फॉर्मूला है वो तो है तात्क्षणिक धारा का, और ये जो फॉर्मूला है वो औसत धारा का है। औसत धारा का फॉर्मूला होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी। डेल क्यू को आप लिखोगे क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और तात्क्षणिक धारा आई इंस्टेंटेनियस, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट डेल टी डेंस टू जीरो डेल क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो देखिए इन दोनों को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो देखिए वो एग्जाम्पल है क्वेश्चन के थ्रू कि किसी चालक में प्रवाहित आवेश q इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन कूलाम है। तो पहला क्वेश्चन, t बराबर वन सेकंड से t बराबर टू सेकंड तक चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि t बराबर वन सेकंड पर चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। अब देखो, अब अभी अभी मैंने आपको दो फॉर्मूले पढ़ाए हैं, एक तो एवरेज का पढ़ाया था, वो क्या पढ़ाया था, डेल क्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्यू एफ माइनस क्यू आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई। और जो दूसरा फॉर्मूला पढ़ाया था वो इंस्टेंटेनियस का पढ़ाया था, और वो क्या पढ़ाया था, डी क्यू अपॉन डी टी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर कौन से में तो एवरेज लेना है और कौन से में तात्क्षणिक, मतलब तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पहले तो आप देखो टाइम क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड से दो सेकेंड। तो मुझे बताओ जब आप एक से दो तक पहुंचोगे तो क्या बीच में ऐसी राशि नहीं आएगी, 1.1, 1.2, 1.3, डैश डैश, ऐसी बहुत सारी राशि आएगी। तो जब आप करंट निकालोगे तो सबसे पहले एक पे निकालोगे, फिर क्या करोगे 1.1 पे, फिर 1.2, 1.3। तो बताओ क्या एग्जाम में एक ही क्वेश्चन करना है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन कर पाओ। तो यहाँ देखो बहुत सारे टाइम इंटरवल आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। लेकिन यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि टी बराबर एक सेकंड पे, तो देखो एक ही टाइम इंटरवल गिवन है, एक ही टाइम दिया हुआ है। तो मैंने क्या कहा था, किसी क्षण विशेष पर, मतलब एक ही अगर टाइम हो तो वहां पे तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इंस्टेंटेनियस वाला यानी तात्क्षणिक वाला। और जहां पर आपको टाइम का इंटरवल दिया हुआ जैसे एक सेकंड से दो सेकंड, दो से पांच सेकंड, पांच से दस सेकंड, तो वहां पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एवरेज वाला। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे सपोज डेट आपने कोई एग्जाम दिया उसमें आपके 100 में से 90 नंबर आए,
तो मैं आपको पूछूं कि बताओ आपका एवरेज कितना है, तो क्या आप ऐसे बता सकते हो कि मेरा एवरेज 90 है? ऐसा नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि एक राशि का कोई एवरेज नहीं होता, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है। आपके 90 आए हैं तो ये एवरेज थोड़ा होता है, बट अगर आपके दो टेस्ट हुए या दो एग्जाम्स हुए उनमें अगर 90 आए 100 में से, तो फिर मैं पूछूं कि बताइए एवरेज कितना है, तो आप आराम से कितना बता दोगे, 90। तो बताओ क्या एक राशि या एक मान का औसत हो सकता है? नहीं हो सकता। बट एक से अधिक मान का क्या हो सकता है? औसत हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको एक से ज्यादा टाइम इंटरवल गिवन हो तो हमेशा आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एवरेज वाला। और अगर आपको एक सिंगल टाइम गिवन हो तो वहां आप कौन सा लगाओगे? तात्क्षणिक वाला। तो देखिए आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? टी बराबर 1 सेकंड से टी बराबर 2 सेकंड तक। तो देखो आई एवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है, वो ये कहता है डेल क्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो देखो आपको किस किस का मतलब किस किस राशि का मान ज्ञात करना है, क्यू फाइनल निकालना है, क्यू इनिशियल निकालना है, टी फाइनल और टी इनिशियल। तो देखो ये तो आसान है, मुझे बताओ आप कहां से कहां तक जा रहे हो? टी बराबर 1 सेकंड से टी बराबर 2 सेकंड तक जा रहे हो, तो कहां से स्टार्ट कर रहे हो? 1 से। तो जो स्टार्ट कर रहे हो वो इनिशियल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो टी इनिशियल का मान यहाँ कितना दिया हुआ है? 1। और बताओ कहां जाकर रुक रहे हो? 2 सेकंड तक। तो टी फाइनल क्या हो जाएगा? 2। तो जहां से स्टार्ट कर रहे हो वो तो हो जाएगा इनिशियल यानी प्रारंभिक, और जहां रुक रहे हो वो क्या हो जाएगा? फाइनल यानी अंतिम। तो टी आई और टी एफ समझ में आ गया हो। अब देखो आप क्यों क्या दिया हुआ है, क्यू एफ और क्यू वाई। तो देखो क्यू एफ, QF का मतलब है कि आपको फाइनल आवेश निकालना है। तो यहाँ आप देखो क्या जो इक्वेशन है वो क्या है, 3t² + 2t + 1। तो फाइनल निकालोगे ना, तो यहाँ टाइम आप क्या रखोगे? फाइनल वाला टाइम रखोगे यानी अंतिम वाला टाइम रखोगे। तो देखो क्या दिया हुआ है Q का मान कि 3t² + 2t + 1। तो यहाँ आप बताओ फाइनल निकालोगे तो फाइनल किस पे मिल रहा है? 2 सेकंड पे। तो टी की वैल्यू यहाँ पे आप क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे। तो देखो क्या जाएगा, 3t का मान 2 रखोगे तो 2² + 2 × 2 + 1। तो देखो ये आ गया 12 + 4 + 1, तो कितना हो गया? 17। इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि q इनिशियल निकालो, तो q इनिशियल का मतलब आप इनिशियल टाइम इंटरवल लोगे या इनिशियल टाइम लोगे, तो कितना दिया हुआ है? 1 सेकंड। तो रखो q बराबर क्या है, 3t² + 2t + 1। t बराबर 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 × 1² + 2 × 1 + 1। तो ये कितना हो गया? 3 × 5 + 1 = 6। तो आपके पास q फाइनल भी आ गया, q इनिशियल भी आ गया। q फाइनल कैसे निकाला कि आपको जो टाइम दिया हुआ है फाइनल वाला वो रख दो, और q इनिशियल कैसे निकालोगे? टाइम इनिशियल वाला रख दो। तो फाइनल वाला क्या था? 2 था, इनिशियल वाला क्या था? 1 था। अब ये सब मान देखो किस में रखोगे आप, इस इक्वेशन में। तो देखो आई एवरेज क्या आ जाएगा, बताओ क्यू फाइनल की वैल्यू कितनी है? 17। क्यू इनिशियल की वैल्यू कितनी है? 6। टी फाइनल की वैल्यू कितनी है? 2। और टी इनिशियल की 1। तो 13/1, तो क्या आ गया? 13 एम्पियर। तो ये है औसत धारा मान ज्ञात, औसत धारा का मान ज्ञात करना। अब देखो दूसरे में आपको क्या पूछा है, t = 1 सेकंड पर चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। अब देखो एक ही टाइम है तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आई इंस्टेंटेनियस वाला। तो वो क्या कहता है कि dq/dt, तो यहाँ d/dt रख दो। बताओ q की वैल्यू क्या है? 3t² + 2t + 1, यही दी हुई है। अब आपको ये जो राशि है ये अवकलन कहलाता है, d/dt टाइम के सापेक्ष आप क्या कर रहे हो? अवकलन कर रहे हो। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा अवकलन का एक कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। जो अवकलन का फॉर्मूला होता है वो होता है d/dx, x की पावर अगर n होना तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है nx/n-1। बट देखो हमारी जो राशियां चल रही है वो किस में चल रही है? t के रूप में। तो आप रखो d/dt t/n, तो देखो n आ गया जाएगा n t/n-1। तो जो t की पावर n का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? nt(n-1)। अब मुझे बताओ तीन तो राशि है, संख्या है, तो इसका तो कोई अवकलन होता नहीं। आगे बढ़ो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, t². तो यहाँ अगर मैं देखो d/dt t² करूं तो देखो जो n है वो आगे चला जाएगा। तो यहाँ देखो कंपेयर करो, देखो t, यहाँ इसके सिर पे कौन है? n, तो इसके ऊपर कितना है? 2। तो आप यहाँ पहले 2 लिखोगे, 2, और फिर किस में मतलब टाइम में करो तो t n-1, n बताओ कितना है? 2, तो 2-1, तो क्या हो गया? 2t/1, तो क्या आ गया? 2t। तो जो ये t² होता है उसका अवकलन क्या होता है? 2t। अब आगे बढ़ो, देखो 2 तो संख्या है तो इसका तो अवकलन होगा नहीं, यहाँ पे आगे क्या है? टी। तो यहाँ d/dt t/1, और वही फॉर्मूला n t/n-1, यहाँ पे n कितना है? 1, तो 1 को आगे ले लो।
वन टी वन माइनस वन, तो वन टी की पावर जीरो, और आप जानते हो किसी भी राशि की पावर अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन, तो यहां से क्या आ जाएगा वन। तो जो इसका अवकलन होता है, जो टी का अवकलन होता है वो कितना होता है वन, तो टी स्क्वायर का कितना हुआ टू टी, और टी का कितना हुआ वन, और लास्ट में क्या दे रखी है संख्या, तो संख्या जो होती है वो नियतांक है, और नियतांक का अवकलन क्या होता है शून्य। तो इसका अवकलन तो कितना हो जाएगा जीरो, इस टी का अवकलन कितना हो जाएगा वन, और इस टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा टू टी। तो इसको सोल्व किया तो क्या आ गया थ्री इंटू टू टी प्लस टू इंटू वन प्लस जीरो, तो देखो ये कितना आ गया सिक्स टी प्लस टू। अब देखो आपको किस टाइम पर पूछा है, एक सेकंड पे, तो जहां जहां टी दिख रहा है वहां वहां आप कितना रखोगे वन, तो टी बराबर आप एक सेकंड रख दो। तो यहां से बताओ आइंस्टेंटेनियस क्या आ गया सिक्स इंटू वन प्लस टू, तो ये कितना आ गया 8 एम्पियर। तो ये तो होता है तार्किक धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला, और अभी अभी ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। अब देखो मैं स्टूडेंट्स एक दो बातें आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो नोट्स तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।